हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सोल कढ़ी बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी और इजीली बनता है। ये महाराष्ट्र का स्पेशल बोला जा सकता है। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छा बनने वाला है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने फीडबैक कमेंट जरूर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसके लिए बेल आइकॉन आप जरूर दबाइए। के लिए ये हमने एक नारियल लिया है, इसे इस तरह से हमने पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है। अगर आपको स्लाइस नहीं करना है तो इसे आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं। ये पानी लिए है, ये टेस्ट के अनुसार हमने सादा नमक लिया है। ये कोकम पेटल्स है, इसको हमने आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया है। ये काला नमक है, आधी चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच हमने जीरा लिया है, जीरा पाउडर है, इसको भून करके हमने पाउडर बना लिया। और ये धनिया पत्ता है, बारीक कट करके लिया है, एक लहसुन की कली है और एक हरी मिर्च है, ये आधी चम्मच हमने चीनी का यूज किया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पॉट लेंगे, इसमें ये नारियल को डालेंगे। ये महाराष्ट्र का स्पेशल है। ये इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसे पीस लेते हैं, जिससे कि इसका दूध हम निकाल सके। थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। हाफ कप पानी मैंने फिर से और डाला है इसमें। अब इसे हम छान लेते हैं। एक बाउल लेंगे, इस पे इस तरह का कपड़े से छानने से अच्छा सा दूध निकल के आएगा और टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से छान के देखिए, ये बहुत ही गाढ़ा अभी दूध तैयार हुआ है। इसे थोड़ा और हम पानी ऐड करेंगे और एक बार और ग्राइंड कर लेते हैं। इसको साइड में रखेंगे और इसमें इसे डालकर एक बार और हाफ कप पानी ऐड करेंगे और इससे दूध निकाल लेंगे। अब इसमें हम ये कोकम का 2-3 पेटल डालेंगे। इस तरह से इससे कलर भी आएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। ये लहसुन और हरी मिर्च, ये अभी ही हम नमक ऐड करेंगे, सादा नमक, और इन सबको मिलाकर फिर से अच्छे से पीस लेंगे। ये हमने इस तरह से कोकम, हरी मिर्च, लहसुन, नारियल इस तरह से मिक्स करके उसका जूस निकाल लिया है। और अब हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे, ये जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है, ये चीनी ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, लेकिन इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी। इसको मिला लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा बन करके रेडी हो गया। अब हम इसको गार्निश करते हैं थोड़ा धनिया पत्ता डाल के। बहुत ही बढ़िया, देखने में बहुत सुंदर और टेस्टी तो है ही। ये महाराष्ट्र का स्पेशल है,
इसे जरूर आप ट्राई कीजिए और ये पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, ठंडक देती है। इसे हम इसमें डाल लेते हैं। हम इसे सर्व करते हैं, आइस डालेंगे दो तीन, इसमें ये कोकम शरबत डालेंगे। ये सोल कड़ी बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, जरूर ट्राई कीजिए। इसकी कलर भी बहुत अच्छी आई है, इस तरह से। ये हमारी सोल कड़ी रेडी हो गई। इसे लोग चावल के साथ ज्यादा पसंद करते हैं खाना, इस तरह से।